अपने शहर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वहीं पंजाब के बठिंडा में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर के रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। टकराव जो है वो बढ़ा और किसान बैरिकेडिंग को तोड़ करके बीजेपी दफ्तर में घुस गए और वहां पर जमकर तोड़फोड़ भी की गई। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? आज संसद भवन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के सांसदों ने उनका जोरदार विरोध किया वहां पर। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके लगातार कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं विरोध जारी हो रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम जो पार्टियां हैं यानी विपक्षी पार्टी जितनी भी हैं वो तमाम कृषि कानून का विरोध करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आज संसद में भी यही देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह ने जो बोर्ड लेके यानी कि जिसमें लिखा हुआ था कि कृषि कानून को रद्द किया जाना चाहिए, कृषि कानून उनके किसानों के हक में नहीं है, मगर बात करें जिस तरीके से सरकार ने यानी कि पीएम मोदी ने साफ साफ उसको देखते हुए भी अनदेखा देखने का करने के बाद भी वो बाहर निकल गए और कहीं ना कहीं इसी तरीके की प्रक्रिया की जा रही है। सरकार बेशक अनदेखा कर रही है किसानों की आवाज को और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रही है कि किसानों की आवाज को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, मगर लगातार कहीं ना कहीं जितनी भी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है, मगर बात करें किसानों की तो किसान भी साफ कर चुके हैं लगातार, वो भी नहीं पीछे हटना चाह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि सरकार चाहे कितने भी जोर लगा ले वो पीछे हटने वाले नहीं है जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर इसके लिए लगभग महीना भर हो चुका है किसानों को और किसान अभी तक लगातार बैठे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की। जी बिल्कुल, ये जानकारी आपसे चाहूंगा कि संसद भवन में उस वक्त विरोध करने वाले कितने लोग थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान और संजय सिंह भी वहां पर उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे? देखिए बिल्कुल बता दीजिए, जैसे कि भगवंत मान की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, हालांकि काफी कह सकते थे जो और भी लोग थे जो सरकार के इस बिल का कानून का जो विरोध कर रहे थे, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विरोध होने के बावजूद भी सरकार ने अनदेखा करा, यानी कि पीएम मोदी ने अनदेखा देखा करने के बावजूद भी और बाहर निकल गए, मगर संजय सिंह ने फिर भी कोशिश की थी कि उनका ध्यान खींचा जाए, उनके जो बोर्ड है यानी कि जो उनके हाथ में लग रहा था जिस पर कृषि कानून के बारे में लिखा हुआ था वो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाने की कोशिश भी की, मगर वो पीछे भी जाने की कोशिश करी उन्होंने, मगर सिक्योरिटी ने उन्हें को जाने नहीं दिया और कहीं ना कहीं रोक दिया गया, मगर लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की एक मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के जो किसानों के मुद्दे हैं उनको अनदेखा कर रही है और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, यहां तक कि दो डिवाइडों में भी बांटा हुआ किसानों को, कहीं ना जो एक गुट है वो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन करता नजर आ रहा है और जो दूसरा गुट है वो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में, और विरोध वाला जो गुट है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या के अंदर है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, मगर जब तक सरकार किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा चाहे इसके लिए कितने भी और दिन बैठना पड़े वो लगातार इसी तरीके डटे रहेंगे। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके का विरोध का सामना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे किया, क्या उसी का परिणाम है कि आज जब किसानों के कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वहां पर भी उन्होंने अपनी ही बातें ज्यादा सुनाई हैं, तो वहां पर विपक्ष पर जमकर बरसे, क्या उसी का ये परिणाम? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पेशल जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं जो विपक्ष के हाथ में मुद्दे लग रहे हैं और मुद्दे लगने के बावजूद भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से अब कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 18,000 करोड़ रुपए बांटे हैं वो कहीं ना कहीं इस पर साफ थे, उनके चेहरे पर नजर आ रहा था कि जिस तरीके से उनके जो हाव भाव थे वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे थे कि सरकार के खिलाफ किसान कितनी बड़ी तादाद के अंदर उनके सामने खड़े हुए हैं और यहाँ तक कि विपक्ष पूरी तरीके से भूमिका निभा रहा है, मगर बात करें जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि विपक्ष को मौका मिला हुआ है, मगर विपक्ष जबरदस्ती किसान को बहराने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, कृषि कानून से आने वाले समय के अंदर बहुत फायदा होगा और अब जो फायदा हो रहा है वो भी किसानों को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है सरकार जनता किसानों को फायदा बताने की, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की भूमिका है वो कहीं ना कहीं डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अमनदीप घोषल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बठिंडा से। अमनदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से वहां पर बीजेपी दफ्तर का घेराव किया गया और क्या कुछ वहां पर किया गया किसानों की तरफ से? जी अगर बठिंडा की बात करें, आज जो है वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जाना था और इस समय जो है किसानों को बीजेपी वर्करों को संबोधन किया जाना था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसी दौरान जो है बीजेपी के दफ्तर बठिंडा जो मिक्सिंग रोड पर स्थित है वहां पे किसान पहुंच गए जहां पुलिस द्वारा पहले ही बैरिकेडिंग की गई, परंतु जो है किसानों द्वारा बैरिकेडिंग
करते हो इस समागम में पहुंचकर वहां जो है अपना इस तरह पहुंच वहां पे जो है नारेबाजी की और इसी दौरान जो है वहां पे जो हाथोपाई की नौबत आ गई और पुलिस ने बीच बचाव पहुंचकर दोनों धिरों को शांत करवाया। जी, कुछ नुकसान की खबर है इस पूरे हुड़दंग में? देखिए फिलहाल जो है इस हुड़दंग के दौरान जो है किसी तरह की अनुष्क्रामी घटना सामने नहीं आई। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए दोनों पक्ष के लोगों को अलग अलग बिठा दिया और एक तरफ बीजेपी जो है प्रदर्शन करते रहे और दूसरी बार किसान जो है बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। इसी दौरान प्रशासन द्वारा जो है बीजेपी वर्करों को समझाया गया जिन्होंने शहर में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सरकार का पतला फूंका गया। जी, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? पुलिस अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि जब तक ये कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं शांतमयी रहेंगे तब तक ठीक है, नहीं वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, लेकिन मेरा सवाल ये कि बीजेपी नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई जिस तरीके से उनका विरोध यहाँ पर हुआ? देखिए बीजेपी वर्करों द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान नहीं है, ये गुंडे हैं जिनके द्वारा इस तरह एक शांतमयी प्रोग्राम में जो है आकर खलल डाला है जिसके चलते उसमें और कांग्रेस सरकार की शह पर यह सब लोग उनके जो कार्यक्रम में उद्रव कर रहे हैं। जी, बारे में भी कोई जानकारी है मनदीप, जो किसान के रूप में वहां पर गए थे हुड़दंग मचाने, क्या उनका कोई राजनीतिक संबंध भी है? देखिए बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो भारतीय किसान यूनियन उग्राहों से संबंध रखते हैं और लगातार पिछले 3 महीने से जो पंजाब में प्रदर्शन उसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो अड़ियल रवैया अपनाया गया है उसी के चलते इनके द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम और नेता का इसी तरह विरोध होता रहेगा। जी दीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन राजीव, जिस तरीके से अब अगर बात की जाए पंजाब में, अब बीजेपी का हालांकि शुरुआत से ही यहां पर विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो संयम है या फिर जो ये कहा जाए कि अब जो सीमा है वो जो है टूटती हुई दिखाई दे रही है मर्यादा की, और अब किसान जो है वो हिंसा पर भी उतारू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई हो लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम को वहां पर कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की बात करें यानी कि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, मगर जो उनका संशोधन है यानी कि जो बिल के अंदर कानून के अंदर संशोधन करने की बात है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों को कहा जा रहा है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, मगर जो प्रस्ताव भेजा जाता है उसके अंदर जो लिखा होता है वो कहीं ना कहीं किसानों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गोलमोल तरीके से लिखा जाता है कि किसान किसी तरीके से मान जाए, मगर किसान भी मान नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की जो उनकी प्रक्रिया है वो बढ़ती चली जा रही है। मगर बात करें कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा जरूर जाहिर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर गुस्सा है तो वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार किसान अभी भी डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं किसानों का जो गुस्सा है शायद आने वाले चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है वो। जी बिल्कुल राजीव, चुनाव तो बाद में आएंगे लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अगर बात दिल्ली की भी करें तो दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। इस बात से साबित होता है कि डिप्टी सीएम के घर पर भी हमला हो जाता है, दिल्ली जल बोर्ड पर भी जिस तरीके से जो हमला हुआ, जो तस्वीर आपने भेजी साफ तौर पर वो बड़ी भयानक जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो ऐसे में अगर दिल्ली में इस तरीके की स्थिति बनती है तो किस तरीके से वहां पर इस पूरे मसले को संभाला जाएगा, क्योंकि भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दिल्ली के सीमाओं पर कहीं ना कहीं किसान बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन जारी है, मगर बात करें जिस तरीके से बीजेपी का जरूर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस तरीके की कह सकते हैं ओछी हरकत करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल जल बोर्ड के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई तो दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं मौका मिला और दिल्ली सरकार ने सीधा सीधा इशारा कर दिया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने करी है और गुंडागर्दी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। मगर जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर हाँ कुछ लोग जरूर अंदर आए थे जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, शीशे तोड़े थे, अंदर जाके ऑफिसों के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, चेयर तोड़ी गई जी, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक जरूर है बीजेपी के लिए, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति नजर आ रही है। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस कितने लोगों को अरेस्ट कर पाती है या फिर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाती है। जी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध आज संसद भवन में किया गया और उसके बाद जो उन्होंने किसानों को संबोधित किया, अलग अलग राज्यों के किसानों को संबोधित किया, उसमें साफ तौर पर जिस तरीके से वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, उसके बाद
किसानों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि किसान कोई छोटे बच्चे नहीं है, और जो इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, किसान बार बार ये साफ कर रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का है, किसान किसी के बहकावे में आकर के आंदोलन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में टकराव की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। देखिए बिल्कुल एक चीज तो सबसे स्पष्ट है, लगातार कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि उनका सिर्फ एक ही कहना है, या तो कृषि कानून वापस कीजिए या फिर तो उसमें ऐसा संशोधन कीजिए जो वो चाहते हैं, यानी कि किसानों की जो डिमांड है वो, अगर सरकार है कि वो अपनी मर्जी से कानून को थोपना चाह रही है, और कहीं ना कहीं जो साफ नजर आ रहा है कि पूंजीपतियों के लिए ये कानून बनाया गया और उनके फायदा पूंजीपतियों को ही होगा, ना कि आम किसानों को ना कि जनता को। मगर बात करें जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 18 करोड़ रुपए जो बांटे हैं, यानी कि प्रोग्राम के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इसमें दर्शाता है कि लगातार कहीं ना कहीं जो उनके चेहरे पे भी देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं जरूर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है जिसकी वजह से किसान उनसे नाराज हैं, और वो उन परेशानी को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सफल होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि विपक्ष के हाथ में लगातार मुद्दे मिलते चले जा रहे हैं, और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके किसानों की, किसानों ने पहले भी स्पष्ट किया था कि हम इसके अंदर राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कानून की जो उनका कानून है यानी कृषि कानून उसको वापस कराना चाहते हैं, ना कि कोई और प्रदर्शन करना चाहते हैं, मगर विपक्ष लगातार उनका प्रदर्शन के अंदर साथ देता नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव शर्मा है राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी राजीव जी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनपी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, और पंजाब में जो हुड़दंग देखने को मिला है बठिंडा में, उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके की राजनीति अब चल रही है किसान आंदोलन को लेकर के, संसद परिसर में अगर बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें अनसुना कर देते हैं। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी के कार्यक्रम में खलल डालने के लिए कुछ
किसान संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस तरीके का हुड़दंग वहां पर किया जाता है। तो ये, और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के संबोधन की, तो उसमें विपक्ष को पूरे तौर पर इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए हितेंद्र जी, स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है सरकार की गलत नीतियों पर। इसमें कहीं कोई गिला शिकवा गुरेज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो ये क्या किया करते थे? ये कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाते थे, हवन नहीं करते थे, ये भी इसी कार्य को करते थे जो आज विपक्षी पार्टियां या विपक्षी पार्टियों के सहयोग से चल रहे आंदोलन में हो रहा है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि 27-28 दिन से किसानों का धरना चल रहा है, सरकार उसके निस्तारण के लिए प्रयास क्या कर रही है? सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, किसान अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच में आम आवाम या आम जनमानस पिस रहा है, संघर्ष झेल रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं तमाम आंदोलनों के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। भाई विपक्ष जिम्मेदार क्यों है, सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? आप इस तरीके के कानून लाइए, आप इस तरीके की व्यवस्था बनाइए, आप इस तरीके से देश को चलाइए, कानून लाइए कि लोग आंदोलन ना करें, धरने प्रदर्शन ना करें। अगर सारे कामों के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है तो सरकार किस काम के लिए जिम्मेदार है? बड़ा सवाल इस बात का है। जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, प्रीतपाल जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार सर। जी प्रीतपाल जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें अनसुना कर दिया, और बाद में जब संबोधित कर रहे थे किसानों को तो साफ तौर पर आरोप लगा दिया विपक्षी पार्टियों पर कि राजनीति की जा रही है इस मामले पर और किसानों को, भोले भाले किसानों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री 2014 से अपने मन की बात लगातार करते चले आ रहे हैं, किसी की बात सुनने के लिए वो राजी नहीं है। जी आज देश का किसान अन्नदाता, जिसको ये बार बार अन्नदाता कहते हैं, वो सड़कों पे इसको की जो ठंड है, कड़ाके की ठंड है, वहां सड़कों पे बैठा हुआ है, परिवार समेत अपने बच्चों समेत वहां पे बैठा हुआ है। कई लोग अब विदेश की अपनी नौकरियों को छोड़कर, जबकि बाप दादा पंजाब में किसानी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसानी कर रहे हैं, उनके बच्चे पोते वो यहाँ पे आ रहे हैं उनके समर्थन में। आज संसद के अंदर माननीय सांसद संजय सिंह, माननीय सांसद भगवंत मान जी अपनी बात संसद में कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री है जिसको संसद को मंदिर कहा करते हैं, तो उस मंदिर के अंदर कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जनता की आवाज वो करना चाह रहा है, तो उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना देश की युवा की आवाज सुन रहे हैं या किसान की आवाज सुनना चाहते हैं, किसी की भी आवाज ये सुनना नहीं चाहते। रावण का अहंकार इनके मन में आ गया है, ये सभी को रौंद के आगे बढ़ जाना चाहते हैं, ये भूल चुके हैं ये वही किसान है जो धरती का सीना चीर कर हमारे और आपके लिए अनाज पैदा करता है। वो अपनी लड़ाई सब लड़ सकता है किसी पार्टी के बिना, और कोई भी पार्टी अगर उनको समर्थन कर रही है वो बाहर से बिना झंडा पैदल बिना टूटे के कर रही है, ना वो उनके मंच शेयर कर रही है, ना अपने मन से उनकी बात कहीं पे भी किसी तरह की रख रही है। अगर सांसद संजय सिंह बात को रख रहे थे तो प्रधानमंत्री का काम था उनकी बात को सुनना, उन्होंने अनसुना किया, वो वहां से चले गए। जी प्रीतपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सीधे रुख करेंगे क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के मुख्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद, वो संबोधित कर कि प्रदेश सरकार की ओर से 1.5 लाख से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था प्रदेश में की गई है, जिसमें निःशुल्क इलाज किया जाता है। जो हमारे निजी अस्पताल हैं जिनमें कोविड का इलाज होता है वो इनके अतिरिक्त हैं, तो बहुत ही व्यापक स्तर पर जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और ये सभी सुविधा निःशुल्क है। अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, आपको खांसी हो रही है या आपको बुखार आ रहा है या आपके सांस फूल रही है, तो आपको तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का ये संकोच नहीं होना चाहिए, नहीं किसी प्रकार की चिंता होनी चाहिए कि अगर मुझे संक्रमण आया तो मैं कैसे अपनी जांच करवाऊंगा, कैसे अपना इलाज करवाऊंगा, ये बहुत महंगा होगा, खर्चीला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था
राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल निशुल्क है, और जांच करवाने के लिए आप अपने जिले के कोविड कमांड सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, और भी सुविधाजनक तरीके से अपने फ़ोन पर आप गूगल प्ले स्टोर से मेरा कोविड केंद्र ऐप को डाउनलोड करिए, और उस पर आप जब देखेंगे अपना लोकेशन डालेंगे तो आपको आपके जहां आप हैं उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर में कौन सा केंद्र ऐसा है जहां आप अपनी निशुल्क जांच करा सकते हैं, वो आपको उसमें जानकारी मिल जाती है। और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं, अगर उनका लोकेशन डाल देंगे, चाहे वो भले उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर में क्यों ना हो, तो उस शहर का भी वहां भी कहां पर निशुल्क जांच हो सकती है वो मालूम पड़ जाएगा। और जब आप जांच करवाते हैं उसके पश्चात जब आप रिजल्ट उसका आता है कि आप धनात्मक हुए ऋणात्मक हुए, वो भी आप घर बैठे ही मालूम कर सकते हैं, अपने फोन पर आप घर बैठे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए डीजी मेडिकल हेल्थ के वेबसाइट पर जाइए, DGMH UP गूगल करिए, उसके वेबसाइट पर जाइए, उसमें एक आपको लिंक मिलेगी जिसमें लेबोरेटरी के रिजल्ट की लिंक होती है, और जब आप वहां क्लिक करेंगे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, अपना फोन नंबर दीजिए, OTP आएगा, OTP डालिए, आपको घर बैठे परिणाम भी प्राप्त हो जाएगा कि आपके जो कोविड की जांच हुई उसमें क्या नतीजा निकला। तो ये पूरी व्यवस्था जो है एकदम से जनता के लिए बिल्कुल ही फ्रेंडली बनाई गई है, सिटीजन सेंट्रिक और सिटीजन फ्रेंडली, यही हमारा पूरा का पूरा पूरे व्यवस्था को व्यवस्थित करने का यही आधार है कि कोविड के मैनेजमेंट में जनता को बिल्कुल भी परेशानी का सामना न करना पड़े, चीज़ें निःशुल्क भी हैं और आसान भी हैं। ई संजीवनी का अपने प्रदेश में लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, और कल 4538 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे निःशुल्क डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया है। अब तक 3,13,254 लोग ये परामर्श निःशुल्क घर बैठे प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,77,770 इलाकों में 4,95,249 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,07,83,462 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है, और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,98,63,045 है। अगर हम एज ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो कुल संक्रमण हुआ है उसमें से 0 से 20 वर्ष वालों का हिस्सा 13.35% है, 21 से 40 वर्ष वालों का 46.55% है, 41 से 60 वर्ष वालों का 29.47% है, और 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों का 10% से ज़्यादा चल रहा है, 10.6% से उनका ज़्यादा चल रहा है। आज से प्रदेश में ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक अभियान प्रारंभ हुआ है जो 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कि एक्टिव केस फाइंडिंग की जाएगी। शुरू में 5 दिन जो है अभी 25 से लेकर के 1 जनवरी तक जो ऐसे स्थल हैं जैसे जेल है, जो क्लोज स्पेसेस हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, नारी निकेतन हैं, बाल सुधार गृह हैं, हमारे टेम्प्ररी या परमानेंट जेल्स हैं, उनमें सैंपल लिए जाएंगे। टीबी के लिए जो स्पूटम लिया जाता है, थूक का सैंपल लिया जाता है, और उसी के साथ साथ इन जगहों में कोरोना के भी सैंपल्स लिए जाएंगे। इसके पश्चात 2 जनवरी से एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान शुरू होगा, जिसमें हमारी आशा वर्कर्स ANM वगैरह लगेंगी, और घर घर जा कर के वहां पर लोगों की जांच पड़ताल की जाएगी, देखा जाए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, मेरे साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं?